मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में इंडो ग्लोबल ब्लॉक चैन समिट के उन्वान से एक्सपो 2020 दुबई इंडियन पवेलियन में हेडबुक और यूरोपियन डिजिटल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन ब्लॉक चैन सेंटर के इश्तराक से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें डिजिटल करेंसी और ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एडबुक और यूरोपियन डिजिटल यूनिवर्सिटी के ताउन से मुत्तहिदा अरब अमारात और मिडिल ईस्ट में ट्रिलियन ऑफ डॉलर के होने वाले बिजनेस पर रोशनी डाली गई। मुनक्किदा प्रोग्राम में शरीक हाजरीन इस बात पर मुत्तफिक हुए कि दुबई न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से एक मजबूत मार्केट है। इस हवाले से हाजरीन ने HD+ TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तो अपूर्व बजाज साहब, ये बताएं कि आज के इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं जो कि जिसका नाम है इंडिया इंडो ग्लोबल ब्लॉकचेन समिट, जो कि एडुबुक और यूरोपियन डिजिटल यूनिवर्सिटी के द्वारा कोलैबोरेशन में स्टार्ट हुआ है और इसका बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग बेंगलोर और दिल्ली में भी करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स को Web3, जो कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, NFT का जो नया वर्ल्ड एक है, उस पर हम उनको लेके जाना चाहते हैं। इंडिया पहले से ही सॉफ्टवेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है और हम अब ये दिखाना चाहते हैं इंडिया को कि ये Web3 कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बन सकता है। अच्छा, ये बताएंगे बजाज साहब के दुबई एक्सपो 2020 में आपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज आपकी कंपनी भी पार्टिसिपेट कर रही है जी, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमने इंडियन इनोवेशन हब में डेमो किया इंडिया पवेलियन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स उसके लिए। और बेसिकली यहाँ पे बहुत इनोवेशन, लाइक इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न आफ्टर चाइना एंड US, इंडिया से ही आ रहे हैं और इंडिया में स्टार्टअप इज जस्ट लाइक अ ह्यूज बजवर्ड नाउ और बहुत बहुत कुछ इनोवेशन हो रहा है, नॉट ओनली इन दी ट्रेडिशनल स्पेस बट ऑल्सो इन दी हाई डीप टेक स्पेस, जैसे कि हमारा ब्लॉकचेन वगैरह भी डीप टेक स्पेस, तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इनोवेशन आ रहे हैं इंडिया से, विच इज़ गुड फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर द ग्लोबल वर्ल्ड। अच्छा, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी को लीगलाइज कर दिया गया, हालांकि उसमें पहले बैन था जी, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम ये कहना चाहेंगे, देखिए अभी सरकार ने टैक्स लगाया है उस पर, ऑल्दो वो ये श्योर नहीं कर पा रहे पूरा लीगल है कि क्या है, बट दिस इज़ अ गुड स्टेप क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है, स्विट्जरलैंड और US वगैरह ने धीरे धीरे अब फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी लेके आ रहे हैं जहाँ पे वो भी लीगलाइज कर रहे हैं। और ब्लॉकचेन अलोन इंडिया के GDP में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड कर सकता है क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ रिवोल्यूशन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वाकई में इसको आगे लेके एम्ब्रेस करना चाहिए, ना कि इसको स्टॉप करना चाहिए। अच्छा, उसे देखा गया है कि इस वक्त यूरोपीय ममालिक में पेपर करेंसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, इवन के फ्रांस में ATM मशीनें खत्म हो गई हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, आजकल देखिए इंडिया में भी एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे के माध्यम से सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। आजकल हम वाकई में बिल्कुल कैश कैरी नहीं करते, हमारे पास बस मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम डिजिटली अपना पेमेंट कर देते हैं, तो सिर्फ डिजिटल लेजर में प्लस और माइनस होता है, कैश कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज़ अ गुड स्टेप क्योंकि एक तो इससे ब्लैक का जो मनी वगैरह इशू था वो सब चला जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है इसमें कि जो भी यू नो ये सोसाइटी कैश लेस नहीं होगी बट लेस कैश सोसाइटी हो जाएगी, जो कि एक जनरली अच्छी बात है प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के लिए, दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है। एग्जैक्टली, दुनिया बहुत आगे। अच्छा, ये बताएं कि आज एक्सपो 2020 इंडियन पवेलियन में हम मौजूद हैं, सही है जी? तो ये आपके जो लाजमात है, आपके क्लाइंट्स हैं या जो आपके बायर्स हैं जी, UAE और दुबई में मौजूद हैं जी, उनसे क्या एक्सपेक्ट रखते हैं आप? जी, उनसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए हम अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स रेस करने के माध्यम से आए थे, हमने यहाँ पे दो बहुत बड़ी B2B डील्स पार्टनरशिप साइन करी हैं, तो बेसिकली एडुबुक ने अभी तक 10 बहुत बड़ी B2B बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप साइन करी है, जिसके माध्यम से हम 40 मिलियन स्टूडेंट्स को इंडिया, UAE और इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका में हम उनको Web3 के प्रोग्राम के बारे में सिखा रहे हैं, उनको Web2 से Web3 पे लेके आ रहे हैं, मेटामास्क वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, वो पहले कैसे ओपन करें, क्या होता है, क्यों जरूरत है ब्लॉकचेन की, वो सब हम उनको सिखा रहे हैं और उनकी पूरी एकेडमिक और प्रोफेशनल प्रोफाइल को डिजिटल CV पे लेके आ रहे हैं, जो कि उनकी एडुबुक प्रोफाइल बनेगी और ये एडुबुक प्रोफाइल फिर फाइनली उनको एम्प्लॉयर्स को दिखाई जाएगी फॉर रेलेवेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो मेरी पोजीशन एडुबुक में CEO एंड co-founder की है और ये देखा गया है कि इंडिया सोसाइटी, आप सोचे वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा
वुमेन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट की लोग बात करते हैं बट उतना ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते हैं। बट मेरे को ये जान के भी और ये लोगों को बता के भी बहुत खुशी होती है कि नहीं, वुमेन होने के बाद भी हमने कंपनी फाउंड करी है जो कि बहुत अच्छी चल रही है। मेरे जो को फाउंडर हैं अपूर्वा बजाज, वो भी मेरे साथ बहुत लगन के साथ काम कर रहे हैं और जितने भी लोगों के साथ हमने पार्टनरशिप्स करी हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो UAE में हो, चाहे वो दुबई में ही क्यों ना हो एग्जैक्टली, तो सब लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है। शिवम जी, एज यू वी सॉ, यू गेट द वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम UAE एंड दुबई एंड टुडे वी आर हियर इन इंडियन पवेलियन एक्सपो 2020। व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग इट? So when I came to Dubai, first of all, then I was just a bit of nervous, or you can say a bit of double mind whether this will work out or not. But when we came to this pavilion, it's very welcoming thing firstly. So Dubai Expo 2020 is a very good place to showcase your product. Thereafter, we met so many good people out here. There are so many investors. There were so many meets. We were also a part of the Elevate Pitch session, which was organized by Government of India for all the new startups that are coming up here. Apart from that, I am very thankful to Indian Innovation Hub and also to the Indian Pavilion for giving us this opportunity to come here and demo. Okay, so why you think that the blockchain is best for the people? See, previously we used to rely too much on what others people say or what I am saying or what is already there. But now, because of so many hacking is a new thing that has come up. People are stealing online data. Sometimes we see that, okay, people are making forged claims. I have not got these many marks, but I generally make a false claim or have a false mark sheet. But if everything is on the blockchain, if you're getting jobs on the basis of blockchain, if you're learning the new technology, embracing new things, you're getting newly skilled and you're getting more employment opportunities and you're earning in millions. So what's the harm in it? You have to embrace the new thing. So that was the main purpose behind starting of EduBook Calls Blockchain Summit that we are going to launch in Bangalore in the next month. So we'll be discussing about how people can earn other than from educating of blockchain. We can earn through NFTs. We can also earn through minting of new currency. So that is also possible only in the case of blockchain and not in other cases. Okay, we saw you get the very good response from your clients or buyers of that people want to buy your coin. What do you want to say regarding it? So that is a very good thing again, because we are getting many positive responses just by the name of it, like, okay, we'll be starting off with it. But yes, firstly, we'll be starting off with the blockchain profile, where your profile will be shown to the prospective employers and it will be a trustworthy and immutable profile. So like we have our profiles on various social media platforms in order to apply for jobs, this will be much relevant and much better and trustworthy as well. Okay, so what do you want to say regarding UAE and Dubai market about your coin? Yes, so I think that this market is a very emerging and a new tech market. So definitely they are going to love the technology that we are offering. Apart from that, we have also got initial orders and initial interest from various schools and even educational institutions to onboard their students on our platform. Yeah, our company startup EduBook, we have already showcased the platform in the great institutes of our world, like MIT and Harvard University. And it was liked by many entrepreneurs, many institute levels, many academicians, and we have received many awards from the government of India also, from some private organizations also. So as the need of the hour or the alarming situation says, in India also, like, national education policy is coming, so from this term it will be implemented, so students as well as their parents will be much confused about which subjects. The Chancellor of European Digital University, it's based in America and Iceland, and we are in the blockchain education, global blockchain, crypto and NFT education, and we are coming up with the Indo-Global Blockchain Summit. Indo-Global Blockchain Summit across India, starting from AFT University campus in Noida, Film City, and also the BNMIT College of Engineering in Bangalore, and across hundreds of centers across India. Indo-Global Blockchain Summit and Blockchain Fundamentals Education to transform India, the blockchain, crypto and NFT capital of the world. That is the need of the hour. As all of you are aware, the Bitcoin started with zero value. Before 10 years, now it's become like $70,000. Now it's become the hottest commodity in the world, hottest digital asset in the world. The future is digital currency, cryptocurrency, NFTs and blockchain, artificial intelligence based technologies. I mean, now with the crypto,
we can basically be creating a virtual bank, virtual investment bank, virtual currency. I mean, this sky is the limit because it's just the beginning, you know. I mean, and it's not just the virtual wallets, but you know, not just the gambling, but it's actually creating a virtual bank. So at Edubook, we have an AI-driven full-stack skilling ecosystem on the blockchain. We are linking the entire candidate profile on the blockchain so that it has an easy access to all the employers out there in the market, and also the employers will get trustifiable and verifiable CVs on the blockchain. Basically, India is said to be the software capital of the world. We have one of the brightest minds there. And if you see today, the biggest global companies like Google and even IBM and Twitter, they are all controlled, you know, the CEO of the companies are Indians. So now we want to, educate Indians, the youth, starting from class 10th and 12th onwards to college students, to convert from Web 2 to Web 3, because this is the biggest revolution that is happening in India. And this alone, blockchain, NFT and crypto revolution, can add trillions of dollars to the Indian economy. And that's why we also urge the Indian government from this forum to, make it more legal in India and embrace that going forward, this technology, emerging technology in the world. And that is what we are doing at Edubook also, helping students in the Web3 technologies. As simple as opening their MetaMask wallet or Trust wallet, etc. Lastly, we are also helping all the students to have their CVs on the blockchain, with having their grades, credits, everything recorded, and this blockchain-based Edubook profile will be shown to the employers for potential employment opportunities. Yeah, that is a very positive change. They have at least text, the crypto trading, and you can text something only if it is legal. So they are going towards a path which is getting accepting it as a legal tender. Second thing is, though it's a little more ahead in time. Second thing is Switzerland. Has made it legal, and some other companies like US has recently initiated a bill which will look into making it legal. So lot more advanced countries are making it legal, and in UAE also a lot of positive things are going on in the crypto and NFT space, and that's exactly what India needs to embrace going forward. It's a right step, though a small step, but the step in the right direction.